तो दोस्तों ये क्या हो गया यार, क्योंकि बहुत बुरा एक न्यूज़ आया है जो बहुत लोगों के लिए बुरा साबित होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग जिस चीज़ के लिए अभी तक वेट करके बैठे हुए थे वो चीज़ नहीं आ रहा है। लेकिन वो चीज़ क्या है यही सोच रहे हैं ना। तो दोस्तों आज है 10 सितंबर गणेश चतुर्थी का दिन, और आज ही जो जियो फोन नेक्स्ट है वो लॉन्च होने वाला था। लेकिन जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि जो जियो फोन नेक्स्ट है वो आज लॉन्च नहीं हो रहा, जो बहुत ही बुरी एक बात है, क्योंकि बहुत लोग इस फ़ोन के लिए वेट करके बैठे हुए हैं। क्योंकि जब जियो फोन को अनाउंस किया गया था, जब रिलायंस ने इस फ़ोन को अनाउंस किया था, उस टाइम उन्होंने कहा था कि ये जो फ़ोन है ये 10 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन कल रात को रिलायंस ने फिर से अनाउंस किया है कि ये जो जियो फोन नेक्स्ट है ये 10 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन लॉन्च नहीं किया जाएगा, जो बहुत ही बुरा एक न्यूज़ है। और इसका रीज़न भी उन लोगों ने बताया है कि किस लिए जियो फोन नेक्स्ट आज लॉन्च नहीं हो रहा है, इसका रीज़न भी उन लोगों ने बताया है। तो दोस्तों अगर रीज़न की बात करें कि क्या बताया है उन लोगों ने, तो दोस्तों रीज़न में उन लोगों ने ये बताया है कि वो लोग जियो फोन नेक्स्ट को और ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जियो फोन नेक्स्ट 10 सितंबर को लॉन्च नहीं किया जा सकता, ये उन लोगों ने बताया है। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि जो जियो फोन नेक्स्ट है वो अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, जिसके वजह से उन लोगों ने इस फ़ोन को लॉन्च नहीं करे है, और वो लोग इस फ़ोन को और ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों को ये जो फ़ोन है ये ट्रायल करने के लिए दिया गया है, ताकि वो लोग बता सके कि ये जो फ़ोन है ये यूज़ करने के टाइम किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रहा है या फिर नहीं, ये सब वो लोग बता सके, ताकि जो जियो फोन नेक्स्ट है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। इसलिए जो जियो फोन नेक्स्ट है उसको ट्रायल में भी दिया जा रहा है, और अभी इसका ट्रायल चल रहा है, जो उन्होंने कल रात को कहा है, और इसकी वजह से वो लोग अपने फ़ोन को और ज़्यादा एडवांस कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं अपने कंज्यूमर को, जो भी इस जियो फोन नेक्स्ट को खरीदेगा उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो इस फ़ोन को यूज़ करने के टाइम, वो आराम से इस फ़ोन को स्मूथली यूज़ कर सके, ये वो लोग चाहते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। और इसीलिए ये जो जियो फोन नेक्स्ट है इसको डिले कर दिया गया है, क्योंकि वो लोग अपने फ़ोन को और ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं, जो उन लोगों ने बताया है। और उन लोगों ने ये भी बताया है कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो जियो फोन नेक्स्ट है वो दिवाली के दिन लॉन्च हो सकता है, वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो लोग कंफर्म नहीं है, मतलब दिवाली के दिन ये जो जियो फोन नेक्स्ट है वो लॉन्च हो सकता है, जो आज से 2 महीने बाद है, 4 नवंबर को दिवाली है, मतलब आज से 2 महीने बाद जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च हो सकता है, ये वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कन्फर्म नहीं है। लेकिन ये जो जियो फोन नेक्स्ट है ये आज लॉन्च नहीं हो रहा है, वो उन लोगों ने पूरी तरीके से साफ तरीके से कह दिया है, जो बहुत ही लोगों को बुरा लगा होगा, क्योंकि बहुत बुरी बात भी है, क्योंकि बहुत लोग इस फ़ोन के लिए वेट करके बैठे हुए थे, वो लोग इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन जब उन लोगों ने जियो फोन को डिले किया है तो शायद किसी अच्छे चीज़ के लिए डिले किया होगा, क्योंकि 2 महीने डिले ऐसे ही नहीं करता। सो अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो थोड़े दिन वेट कीजिए, क्योंकि 2 महीने बाद ये फ़ोन शायद लॉन्च हो जाएगा, लेकिन ये आज लॉन्च नहीं हुआ, जो वाकई एक बुरी बात है। लेकिन एक अच्छी बात भी है इस जियो फोन को लेकर, कि ये जो जियो फोन नेक्स्ट है ना, इसके ऊपर जो रिलायंस है और जो गूगल है बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इस जियो फोन नेक्स्ट के ऊपर वो लोग ध्यान दे रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से उनके कंज्यूमर को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो, इसके ऊपर वो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। सो, अगर आप भी जियो फोन नेक्स्ट को ख़रीदना चाहते हो तो थोड़े दिन वेट कीजिए, क्योंकि जियो फोन नेक्स्ट शायद 2 महीने बाद लॉन्च हो जाए। लेकिन ये जो जियो फोन नेक्स्ट है ये आज लॉन्च नहीं हो रहा है, ये उन लोगों ने बता दिया है। और जब जियो फोन नेक्स्ट को लॉन्च किया जाएगा 2 महीने बाद, अगर किया जाता है तो उस टाइम एक स्कीम भी चलेगा, जो स्कीम होगा कि आप 500 रुपये डाउन पेमेंट करके ये जो जियो फोन नेक्स्ट है इसको खरीद सकते हो, और उसके बाद से जो पेमेंट है, जो EMI है, वो आपके जो रिचार्ज प्लान्स होंगे उसके साथ ऐड कर दिया जाएगा, मतलब आपका एक स्पेसिफिक रिचार्ज प्लान होगा जिसके साथ वो जो अमाउंट है, वो जो EMI अमाउंट है, जो ऐड कर दिया जाएगा, जो बहुत ही अच्छा एक स्कीम है जो जियो फोन नेक्स्ट के साथ आने वाला है। दिवाली के टाइम ये अगर लॉन्च होता है तो उस टाइम ये आएगा, और ये जो स्कीम है ये बस 50 मिलियन फ़ोन के साथ होगा, मतलब 5 करोड़ फ़ोन में ये जो स्कीम है ये दिया जाएगा, पहले 5 करोड़ फ़ोन्स में, उसके बाद से ये स्कीम नहीं रहेगा। सो, अगर आप भी इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हो तो पहले इस फ़ोन को ख़रीदना।
सो आई होप कि आप लोग ये जो जियो फोन नेक्स्ट है ये आज क्यों लॉन्च नहीं हो रहा है इसका रीजन आप लोगों को पता चल चुका है, इसके रीजन के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि क्यों इस फोन को आज लॉन्च नहीं किया जा रहा है। सो अगर आपको इस रीजन के बारे में समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके, वो भी जान सके कि जियो फोन नेक्स्ट क्यों आज लॉन्च नहीं हुआ है, उसका रीजन क्या है। और अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, बुरा लगा तो क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा, इससे क्या होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और जियो फोन के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, वो आ जाएगा।